मान लो लीजिए। तो ये बेसिकली एक हिमाचल की फोक लेयर है, एक प्रेम कथा जिसे कहते हैं आप, उस तरह की एक कहानी है। और इस कहानी को उसी तरीके से पवन शर्मा जो डायरेक्टर हैं उसी तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और अनिल जी ने प्रोड्यूस किया है ये पिक्चर। और जिस तरह की सिचुएशन होती है उस एक प्रेम कहानी में, एक मोहब्बत की भी कुछ गाने होते हैं, कुछ एक संजीदा किस्म के सॉन्ग भी होते हैं, तो वो सब इस पिक्चर में ब्रीना जिसका नाम है उसमें है, और जो लौला दूसरी है उसमें। अब आप सिर्फ इस पिक्चर में ही नहीं, अगर आप मेरी जितने भी मैंने काम किया उसमें से भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा बेस्ट क्या है, तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो गाना सुपरहिट हो या ना हो, लेकिन मेहनत लिखने वाला भी, बनाने वाला भी, गाने वाला भी उतनी ही करता है। और हर एक डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इसमें भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक फोकलोर पे, फोकलोर में बहुत सारी सिचुएशन ज़िंदगी की होती हैं, तो आपको ज़िंदगी की कई सारी सिचुएशन इस ब्रीना पिक्चर में भी देखने को मिलेंगी। इसको रिकॉर्ड किया गाना आप जानते ही हैं, ब्रीना जो फिल्म का टाइटल है वही गाना है, मेरा मेन जो गाना है टाइटल सॉन्ग, और लड़की के एक प्रथा के ऊपर है जो हिमाचल में मतलब लड़कियां कम होने की वजह से प्रथा चलती है, तो उसके ऊपर ही ये गाना है। और बहुत ही खूबसूरत ट्यून अरविंदर ने बनाई है, बहुत ही सुरीला म्यूज़िक डायरेक्टर, क्योंकि वो खुद गाते हैं इसलिए बहुत अच्छी ट्यून धुन उन्होंने बनाई। और मेरे हिसाब से शायद इरशाद ने लिखा है ये गाना, इरशाद किया है, तो ये बहुत ही एक प्यारा गाना। और मैंने भी पूरी पूरी कोशिश और मुकम्मल अपने स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, हमेशा आज भी जो गाने गाए हुए हैं, जो आप लोग सुनते हैं घर में, मैं जब भी अपने गाने को स्टेज पे गाती हूँ तो उसको बिल्कुल अलग कर देती हूँ। वो गाना ऐसा लगता है, हर बार गाती हूँ तो हर बार नया लगता है, ऐसा ही होना चाहिए। गाने की धुन को ख़राब ना करते हुए उसमें आप जो अगर अच्छा कर सकें, उसमें कुछ नवीनता ला सकें, उसको कुछ नयापन दे सकें, लोगों के कानों में जो उनको अच्छा लगे, वैसा करने की कोशिश। और इसमें बहुत अच्छे सिंगर्स ने गाया है गाना, जसपिंदर नरूला जी हैं, साधना सरगम, सुनिधि चौहान, और मैंने खुद गाया है इसमें, तो बड़े खूबसूरत छह गाने हैं इसमें और अलग कलर है। नहीं, मेरे सब फेवरेट है, क्योंकि सब गाने अपने आप में एक अलग अंदाज के सॉन्ग्स हैं, कोई एक दूसरे से कोई भी मिलता नहीं, सब सिचुएशनल सॉन्ग हैं और सब बहुत मेलोडियस, बहुत खूबसूरत बने, और आप खुद सुनेंगे तो आपको एक से एक बढ़कर गाने उसमें कोई भी, मतलब मेरा फेवरेट अगर मैं